आप जानते ही हैं आमिर खान की पत्नी किरण राव का अपने पति के साथ रिश्ता शुरुआत से ही बहुत खूबसूरत था। ये रिश्ता बहुत खूबसूरत था आमिर खान के साथ उनकी दूसरी पत्नी कही जाने वाली फिल्मेकर किरण राव का। लेकिन ये किरण राव अपने पति के साथ अपने रिश्ते को लेकर अब पूरी तरह से तय कर चुकी हैं कि पति पत्नी वाला ये रिश्ता नहीं रहेगा। जी हाँ, किरण राव और आमिर खान के तलाक को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट दोनों ही की तरफ से आ गया है। और ऐसे में आपको बताना चाहेंगे अब हमारी इस रिपोर्ट में, किरण राव आमिर खान के साथ तलाक ले रही हैं। पति पत्नी ने दोनों आपसी सहमति के साथ ये फैसला लिया है, तो इसके पीछे कारण ये भी है कि अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं ये इस उम्र में, लेकिन इसके बावजूद ये कोलैबोरेट करेंगे, साथ काम करेंगे और कमाएंगे अरबों रुपए साथ साथ। तो चलिए हम आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में, को पेरेंट्स और फ्रेंड्स बनने का जो फैसला किरण राव ने अपने पति के साथ मिलकर लिया है वो कितनी बड़ी संपत्ति की मालकिन है। वैसे तो पेशे से फिल्म प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर भी हैं किरण राव हिंदी सिनेमा में, लेकिन अब उनके डाइवोर्स हो जाने के बाद, जी हाँ तलाक लेने के बाद, आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से उनकी संपत्ति को लेकर भी राज खुले हैं, क्योंकि डाइवोर्स एलिमनी जो हैं बहुत ही बड़ी लेने वाली होंगी आमिर खान की पत्नी। बड़ी रकम तो आमिर खान की तरफ से भी किरण राव को मिलेंगी, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये आपको बताना चाहेंगे किरण राव की पत्नी ऑलरेडी काफ़ी बड़ी संपत्ति की मालकिन हैं, एक या दो नहीं बल्कि आमिर खान की अगर बात की जाए तो आमिर खान के पास 1434 करोड़ रुपए की संपत्ति है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो 85 करोड़ रुपए एक फिल्म के लेते हैं, तो वहीं आपको बताना चाहेंगे किरण राव के पास भी 20 मिलियंस की संपत्ति है। और ऐसे में अपने पति की संपत्ति जायदाद में वो अब आधा हक रखती हैं क्योंकि उनका डाइवोर्स हो चुका है, पर वो की संपत्ति की किरण राव भी है मालकिन। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि डाइवोर्स अलमनी की बात की जाए तो करोड़ों करोड़ों के डाइवोर्स अलमनी होंगे जो कि किरण राव को मिलने वाले हैं। और आपको बताना चाहेंगे एलिमनी के बारे में पूरी कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिली है, लेकिन इनके ट्रॉमेटिक डिवोर्स को लेकर लोग काफ़ी हैरान भी हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्तिक रिपोर्ट।